गुड आफ्टरनून सेवंथ क्लास टू वी विल डू शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इलेवन क्वेश्चन नंबर वन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म एनवायरमेंट एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं द टर्म एनवायरमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड सर्वाइव यानी कि एक जो तो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर की सभी जो कंडीशन है जिसमें वो जीता है और सर्वाइव करता है अपनी लाइफ को वो सभी क्या है एनवायरमेंट है क्वेश्चन नंबर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग आवर आंसर इज अ बायोटिक कम्पोनेंट अबयोटिक कंपोनेंट फर्स्टली बायोटिक कंपोनेंट इट रेफर्स टू द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम सिस्टम यानी कि जो एक इको सिस्टम है उसमें जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सभी क्या हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं अब देखिए अबायोटिक इट रेफर्स टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम में जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो सभी आपके अबायोटिक कंपोनेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म ये सब क्या है बेटा लिविंग थिंग्स हैं और अबायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल लेते हैं एयर सोयल वाटर एंड सनलाइट ये सभी आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं डिफ़ाइन अ फिज़िकल एनवायरमेंट आपको एक फ़िजिकल एनवायरमेंट को डिफ़ाइन करना है द फिज़िकल एनवायरमेंट कम्प्राइजेज ऑल द नॉन लिविंग और अबयोटिक कम्पोनेंट नॉन लिविंग और अबयोटिक बेटा दोनों एक ही बात है ऑफ एनवायरमेंट लाइक द लिथोसफेयर एंड एटमोसफेयर एंड द हाइड्रोसफेयर यानी कि फिजिकल एनवायरमेंट क्या है जो नॉन लिविंग से बना है और जो बायोटिक कम्पोनेंट है और ये किससे बने हैं आपके लिथोसफेयर एटमोसफेयर एंड हाइड्रोसफेयर

विद ईच अदर देयर स्फेयर नहीं सोता बेटा वो रीज़न वो एरिया जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं कौन सी एटमोसफेयर हाइड्रोसफेयर एंड लिथोसफेयर अब देखिए द स्फेयर स्पॉट लाइफ और फिर ये क्या करते हैं वो एरिया फिर वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है इट कम्प्राइजेज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम और फिर ये किससे बना होता है हमारा बायोस्फेयर वहाँ पर प्लांट होते हैं और एनिमल इनसे ये जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपके बायोसफेयर में प्रेजेंट होती हैं अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या बेटा ग्लोबल वार्मिंग इज द प्रोसेस दैट कोज इज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज एंड मेक द अर्थ वार्मर यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और अर्थ को गर्म बनाता है नाउ बेटा टूडे वी विल डू वन लॉन्ग क्वेश्चन सर रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सर वी विल डू टमोरो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग हाउ आर द कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फेयर इंटर डिपेंडेंट कहते हैं कि जो एक बायोस्फेयर के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं निर्भर करते हैं तो देखिए द बायोस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट जोन जो बायोसफेयर है वो अलग अलग जोन से मिलकर बनाए हैं ईच हैविंग इट्स ओन एनवायरमेंट और सबका अपना अलग से इन्वायरमेंट है दीज आर कोल्ड इको सिस्टम और उसको ही हम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम ईच इकोसिस्टम इज फाउंड बाय द इंट्रेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम विच विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरमेंट इन विच दे लिव अभी देखिए और एक इकोसिस्टम कैसे बनता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट है उस फिज़िकल एनवायरनमेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इनकी एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और उसी के अंदर वो लाइफ अपनी जीते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरीज़ ग्रेटली जो इको का साइज है वो अलग अलग है इको एक स्मॉल पौंड में भी हो सकता है और इको एक लार्ज इको एक लार्ज एरिया में भी हो सकता है इट कैन बी एज लार्ज एज अ रेन फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा भी हो सकता है ग्रास लैंड जितना भी किसी डेजर्ट एरिया में भी उसका अपना इको हो सकता है और अ स्मॉल एज अ पौंड और इतना छोटा भी हो सकता है जितना कि एक तालाब है ओके okay, बेटा Write all questions neatly and learn all them. Thank you. Have a nice day.